आज वो चर्चा आरंभ होगी। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्ताव पेश करेंगे ट्रेजरी बैंक से और उसका अनुमोदन भी करेंगे ट्रेजरी बैंक से। उसके बाद हमारी तरफ से माननीय राजनाथ जी आरंभ करेंगे चर्चा को और राज्यसभा में उसी तरह धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे कांग्रेस के सांसद और उसका समर्थन करेंगे उन्हीं के सांसद और उसके बाद चर्चा आरंभ करेंगे माननीय वेंकैया नायडू जी। पर उसके पहले एक चर्चा जो प्रश्नकाल स्थगित करके करने की है राज्यसभा में कि 29 दिसंबर को जब हमारे सदन में 29 दिसंबर 2011 को जब लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पास करने के लिए बहस हो रही थी, बहस करीब समाप्त हो गई थी और मंत्री अपना जवाब दे रहे थे और मंत्री भी करीब 1.5 घंटा से ज़्यादा बोल चुके थे और उसी वक्त एब्रप्टली सदन की कार्रवाई ठप कर दी गई थी। तो जहां से बंद हुआ था वहीं से शुरू करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता माननीय अरुण जेटली जी ने नोटिस दिया है, प्रश्नकाल स्थगित करके उसके सवाल उठाएंगे और उस डिस्कशन को रिस्टोर करने की बात कही जाएगी और हो सकता है कि उनके कहने के बाद सभी प्रमुख विपक्षी दल और सत्ता पक्ष उस पर हिस्सा लेंगे बहस पे। पर साथ ही साथ आज डीएमके और यही अन्ना डीएमके और सीपीआई सीपीएम इन लोगों ने भी एक प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया हुआ है जो कल राष्ट्रपति अभिभाषण के वक्त उन्होंने अपना सवाल उठाया था श्रीलंकन तमिल्स के बारे में और जिनेवा में जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसके बारे में, तो वो भी उठाना चाहेंगे। उम्मीद करता हूं कि पहले नेता प्रतिपक्ष बोल लेंगे, वो बहस समाप्त हो जाएगी, उसके बाद उनका विषय उठेगा और उसका भी जवाब सरकार से लेने की कोशिश वो लोग करेंगे। आज की वस्तु स्थिति यही है और एक बिल और लगा हुआ है जो कल बीएसई में राज्यसभा की बीएसई में फैसला हुआ था, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अमेंडमेंट का बिल। आपको संज्ञान होगा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ को भी अमेंड किया जा रहा है जिसमें आरपीएफ को बियॉन्ड दी रेलवे प्रॉपर्टी किसी को अरेस्ट करने का अधिकार दिया जा रहा है, जिसका विरोध बहुत सारे मुख्यमंत्री कर चुके हैं। उसी तरह ये बीएसएफ में भी बीएसएफ को अधिकार रहता है कि वो बॉर्डर के कुछ किलोमीटर तक लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, किंतु इस संशोधन के माध्यम से ये बियॉन्ड द बॉर्डर एरिया और बियॉन्ड दैट एरिया स्टेट में भी जाकर संशोधन कर सकती है। तो हमारा मानना है कि जो हम बार बार कह रहे हैं असॉल्ट ऑन फेडरलिज्म, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट पुलिस नियुक्त है, इन्वेस्टिगेशन वो करती है, गिरफ्तार वो करती है, इवन सीबीआई को भी राज्य का अनुमोदन चाहिए होता, अनुशंसा चाहिए होती है, तभी उसको वो कार्रवाई कर सकती है। पर जिस तरह से अभी सेंट्रल एजेंसीज को पावर दिए जा रहे हैं और पैरामिलिट्रीज को पावर दिए जा रहे हैं, ये अधिकारों पर अतिक्रमण है और अधिकारों का हनन है राज्यों के। तो इसका प्रतिवाद कल हो चुका है और इस पर हम लोगों ने लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह हमने राष्ट्रपति अभिभाषण में भी एक संशोधन दिया है कि नेशनल इंटीग्रेशन ग्रिड और एनआईजी और एनसीटीसी, ये दोनों बिना राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा किए ये आरंभ किया गया है। और कल तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया कि कल जब मुख्य सचिवों की और डीजीपी की और इनकी बैठक हो रही थी तो वहाँ पर कहा गया केंद्र के अधिकारियों द्वारा
कि अधिकारी जो हैं अपने मुख्यमंत्रियों के स्टेनोग्राफर मत बने। तो ये दुर्भाग्यजनक है कि स्टेट के अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है या स्टेट के अधिकारों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो इसका विरोध हम करेंगे। एज यू नो दैट यस्टरडे इट वॉज डिसाइडेड इन बीएसई दैट द डिस्कशन ऑफ थैंक्स मोशन ऑन प्रेसिडेंशियल एड्रेस विल स्टार्ट टुडे इन राज्यसभा एंड लोकसभा। 12 आवर्स आर स्लेटेड एंड इन लोकसभा राजनाथ सिंह जी विल इनिशिएट डिबेट फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड आफ्टर द मोशन इज मूव्ड बाय द ट्रेजरी बेंच एंड सेकेंडेड बाय द ट्रेजरी बेंच। दैट मीन्स ही विल बी द थर्ड स्पीकर। एंड इन द राज्यसभा श्री वेंकैया नायडू विल बी द पर्सन हु इज गोइंग टू इनिशिएट द डिबेट फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड। एंड इन द मीन टाइम वी हैव मूव्ड अमेंडमेंट on NCTC and NIG. These two institutions are being created without the consultation of chief ministers. So we demanded this earlier also when the notice of NCTC, formation of NCTC came on 3rd February. Many chief ministers wrote letter and ultimately they had a officer level meeting yesterday, but unfortunately in yesterday's officers level meeting also the senior officials of central government, they have directed the officers who came from the state that don't behave like a stenographer of the chief ministers. That is further a indication that they want to encroach in every sphere, even now in executives also, because the IAS and IPS officers are working there and they are controlled by the Home Ministry and the Personnel Department of the central government. If they behave like this and encroach upon the state's authority or state's area, it is very unfortunate. So we have moved a amendment also in Lok Sabha and Rajya Sabha about mentioning that NIG and NCTC is created without the consultation of chief ministers of the respective states. And without the consultation of these states, these two agencies are going to encroach the powers and authority of the states. And they are virtually diluting the power and authority of the states, which we are not going to accept.